जी सर, आज यहाँ इस कार्यक्रम में आप आए हुए हैं, इसमें आप क्या बोल का है और क्या कर रहे हैं? आज सारंगी संगत करेंगे अमजद खान, आप भी दिल्ली से आए उनके साथ। सर आप कहाँ से हैं? ऐसे मूल निवासी हम बनारस बहराने से हैं, और समझ लो कि सर 1984 में मैं लखनऊ आया भातखंडे मंदिर कॉलेज में। अच्छा, भातखंडे से हैं आप? हाँ, वहाँ भातखंडे में आप सारंगी सिखाते हैं? सर सिखाते भी हैं, एकम्पनीमेंट भी करते हैं दोनों काम। वैसे आपके आपके जीवन में सारंगी या म्यूजिक को म्यूजिक की बात करें तो क्या क्या है और क्या मानते हैं, क्या पसंद करते हैं इसको? वैसे म्यूजिक के लिए आप सबसे पहले चीज तो आपको स्वर में अपना आवाज मिलाने का तरीका, तो हमने पहले गाना सीखा, गाने के साथ फिर तबला पढ़ाने सीखा, फिर लय भी जरूरी है, और उसके बाद फिर सारंगी हमने बजाया। सबसे पहले किससे सीखा और कहाँ से आपको प्रेरणा मिली? हम अपने घर में ही, हमारे घर में सारंगी का ही मतलब घराना ही है। हमारे पिताजी स्वर्गीय पंडित भगवान दास मिश्र, ताऊ थे पंडित स्वर्गीय नारायण दास मिश्र, ये दोनों लोग सारंगी बजाते थे, इन्हीं लोग से हमने सारंगी की शिक्षा ली। भातखंडे में सारा कब से है? 84 लगभग एक कम से कम साल, कितने कितने साल हो चुके? 33 ईयर्स के ऊपर लगभग हो रहा है। आपने करीब करीब सभी जो इंटरनेशनल कलाकार हैं कुछ बताएंगे सर? देखिए सबसे पहले तो ये कि आपको क्लासिकल आना बहुत जरूरी है, देश यही है, चाहे वो वेस्टर्न हो चाहे वो सेमी क्लासिकल हो क्लासिकल हो, तो वो जरूरी है कि उसमें आपको क्लासिकल नेव स्तंभ है, जड़ यही है, इसी से सब शाखाएँ निकली हुई है, वेस्टर्न का भी निकला है और सेमी क्लासिकल क्लासिकल, तो बेसिक जो है आपको क्लासिकल करना ही पड़ेगा, बिना क्लासिकल के कुछ नहीं। और सबसे पहली चीज कि आप आपके विद्यार्थी में थोड़ा धैर्य की कमी है, लेकिन धैर्य होना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्लासिकल में आप जंप नहीं कर सकते हैं, बाकी और में आप जंप करके आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन क्लासिकल में कोई जंपिंग नहीं है कि आप जंप करके सीधे आप तानसेन बन जाए या गंजू बाबरा बन जाए या पंडित रविशंकर बन जाए या विराज खान साहब बन जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसमें तो आपको स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा, और गुरु के प्रति आपके मन में सम्मान श्रद्धा ये बहुत जरूरी है। सर ये बताइए, आज का जो युवा है वो सारे का मापा और अलग अलग चैनल जो भी कंपटीशन कराते हैं उनके लिए ज़्यादा तैयार करता है अपने आप को, ना कि वो अपने जो आधार पर संगीत का जो आधार है वो नहीं तैयार करता है और वो अपने जीवन में भटकते रहता है। ऐसा है ना, उसके लिए आप देखिए ना कि जितने भी सारे का मापा या और भी चैनल के जो प्रोग्राम आते हैं वो तो कुछ दिन तक तो चलते हैं, वो स्टूडेंट भी उसमें काम करते, उसके बाद कुछ दिन बाद वो एकदम गायब हो जाता है। आजकल जो संगीत सीख रहा है वो कुछ नया बनाने के बारे में सोच रहा है कि नया नई बंदिश या फिर नए गजल नए गीत नए भजन का निर्माण करें, पुराने गीतों को पुराने गीतों पर ही लोग दोहरा रहे हैं? वही आज भी बेटा पुराने गीत बच जाते हैं, तो जैसे कल्याण जी आनंद जी के कम्पोजिशन उनका जो बनाया हुआ गीत है, खयाम साहब का बनाया हुआ है, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल हैं, इन लोगों का बनाया हुआ गीत